दोस्तों, अगर आप भी रोहित और कोहली को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, अहमदाबाद के मैदान पर किंग कोहली ने मचाया गदर तो कप्तान रोहित शर्मा भी हो गए विराट को सलाम ठोकने पर मजबूर। विराट कोहली के ऐतिहासिक शतक के बाद उनकी तारीफों के पुल बांधते हुए रोहित शर्मा ने जो बयान जारी किया है, उनकी बातें सुनकर आप भी रोहित और कोहली के दोस्ती के दिल से सलाम करेंगे। तो आखिर क्या बताया है कप्तान हेटमैन रोहित शर्मा ने उनके दिल छुलाने वाले बयान का, पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और विराट कोहली में से कौन सा खिलाड़ी सबसे महान है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के अंतिम मुकाबले में सोमवार को सभी हदें पार होना था, यह तो सभी ने सोचा था। लेकिन किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि ऑस्ट्रेलिया के बनाए गए विशाल का स्कोर का पीछा करते हुए गिल के बाद विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया को इस कदर खून के आंसू रुलाएंगे। जी हां दोस्तों, अहमदाबाद के मैदान पर जब टीम इंडिया बल्लेबाजी करने उतरी तब हर एक बल्लेबाज बेहतरीन फॉर्म में लग रहा था। पहले गिल ने टीम इंडिया को शानदार शुरुआत दिलाई तो फिर उनके आउट होने के बाद किंग कोहली ने मोर्चा संभालते हुए शिखर भारत, रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल के साथ मिलकर ऐसा इतिहास रचा कि पूरी दुनिया देखते ही रह गई। विराट कोहली ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए पहले तूफान या दशतक तो फिर बहुत जल्द पूरा किया, लेकिन उसके बाद परिस्थितियों को समझते हुए विराट कोहली ने मैदान में मजबूती से डटकर बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और देखते ही देखते उन्होंने नाथन लायन के खिलाफ सिंगल लेकर अपने ऐतिहासिक शतक को अंजाम देकर पूरे क्रिकेट जगत को उनके सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अपनी इस ऐतिहासिक पारी में विराट कोहली ने केवल 5 चौके लगाए थे, लेकिन उसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया के उन्होंने पसीने छुड़ा दिए थे। उसके बाद भी विराट का तूफान थमा नहीं और उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया को 450 से भी अधिक के स्कोर के पार पहुंचा दिया। इस मुकाबले में टीम इंडिया को एक बेहद ही मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया, जिसके बाद किंग कोहली की जमकर वाहवाही हो रही है। तो वहीं अब खुद कप्तान रोहित शर्मा ने भी विराट की तारीफों के पुल बांधे हैं। जी हां, पहले दिन का खेल खत्म होने के बाद विराट को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि हमें इसी विराट कोहली का इंतजार था जो किसी भी परिस्थिति में इतिहास रचकर सामने वाली टीम की धज्जियां उड़ा देता है। वेलकम बैक किंग कोहली, उनकी बल्लेबाजी कमाल की रही है, उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। जब भी विराट कोहली खेलता है तो पूरी दुनिया देखती रह जाती है। तो वहीं हमें इस मुकाबले में भी देखने को मिला, मैं यह कह सकता हूं कि विराट की वजह से हम इस मैच में अभी भी जीवित हैं, उनके लिए जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, वेल प्लेड विराट। तो दोस्तों, रोहित शर्मा का बयान सुनने के बाद आपको क्या लगता है, विराट कोहली टीम इंडिया को जीत दिलाकर इस मुकाबले में मैन ऑफ द मैच बन पाएंगे कि नहीं, अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।